हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल नूतन ऑनलाइन स्टडी। इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं कि फ्रॉबेल की एजुकेशनल फिलॉसफी क्या थी। तो ये वीडियो अगर आपको पूरी डिटेल में चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको पॉइंट टू पॉइंट ही केवल वीडियो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एजुकेशनल फिलॉसफी में आज हम सबसे पहले तो जानेंगे कि फ्रॉबेल के बारे में थोड़ा सा हम जान लेंगे कि फ्रॉबेल कौन थे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फ्रॉबेल थे उनका पूरा नाम था फ्रेडरिक ऑगस्ट फ्रॉबेल, ठीक है। और ये जो किंडरगार्टन सिस्टम के फाउंडर थे और इनका जन्म 21 अप्रैल 1783 को साउथ जर्मनी में हुआ था। बात करें इनकी पारिवारिक स्थिति की तो इनकी जो मदर थी उनका डेथ हो गया था जब फ्रॉबेल केवल 9 मंथ के थे, उसी समय इनकी मदर का डेथ हो गया। इसके बाद उनके जो फादर थे उन्होंने क्या किया कि फ्रेडरिक को का उन्होंने ध्यान नहीं रखा और उन्हें रीमैरी कर लिया, किसी दूसरी वुमेन से उन्होंने शादी कर ली थी। इसके बाद जो फ्रॉबेल का जो चाइल्डहुड है, जो बचपना है, वो कुछ बहुत ज़्यादा मिजरेबल हो गया। तो इसके बाद क्या हुआ कि जो उनकी जो मदर थी, उनकी मदर के कोई रिलेटिव ने उनको अडॉप्ट कर लिया, फ्रेडरिक फ्रॉबेल को, ठीक है। और इसके बाद उन्हें विलेज के स्कूल में भेजा गया, लेकिन वहाँ पे उन्होंने अपनी एजुकेशन जो अच्छी तरीके से कंप्लीट नहीं कर पाए, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि 15 साल की उम्र में वो फॉरेस्ट के अप्रेंटिस वो बने और बहुत सारे उन्होंने प्रोफेशन में एंटर किया, बहुत सारे प्रोफेशन उन्होंने किया। और आफ्टर चूजिंग मेनी प्रोफेशन, बहुत सारे प्रोफेशन को ट्राई करते करते एट लास्ट में वो टीचर बने। इसके बाद उन्होंने खुद का एक स्कूल बनाया, खुद का एक स्कूल इस्टेब्लिश किया स्विट्ज़रलैंड में और जर्मनी में, जहाँ पे उन्होंने बहुत सारे विभिन्न तरीके के उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए, कंडक्ट किए। और उनका उन्होंने ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया, उनको क्या मानना था कि जो छोटे बच्चे हैं उनको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, जो छोटे बच्चे होते हैं, जैसे उन्होंने किंडरगार्टन जो है इस्टेब्लिश किया था, क्योंकि उनका मानना था कि जो छोटे बच्चे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या देना चाहिए, ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, डिसिप्लिन मिलनी चाहिए, ठीक है। किस तरीके से लाइफ जीना है उसके बारे में बच्चों को मालूम होना चाहिए। बात करें इनके फेमस बुक्स की, यहाँ पे आप देख सकते हैं द एजुकेशन ऑफ मैन, पेडागोजीज ऑफ किंडरगार्टन, मदर प्लेज एजुकेशन बाय डेवलपमेंट। इसके बाद देखते हैं मेन प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी। इनका मानना था कि यूनिटी होनी चाहिए सभी में, किस किस में यूनिटी होनी चाहिए, इंसान में, ठीक है, नेचर में और गॉड में यूनिटी होनी चाहिए। इसके अंडर भी उन्होंने 3 कैटेगरी बताई थी, यूनिटी ऑफ सब्सटेंस। यूनिटी ऑफ सब्सटेंस ये क्या कहते हैं कि मैन एंड नेचर एंड मेड ऑफ वन सब्सटेंस। उनका मानना है कि मैन और जो नेचर है वो एक ही सब्सटेंस से बने हैं, किसे, स्पिरिट या सोल से बने हैं, इसलिए दोनों में यूनिटी होनी चाहिए। इसके बाद आगे है यूनिटी ऑफ ओरिजिन, ठीक है, ऑल थिंग्स ओरिजिनेट फ्रॉम वन सोर्स दैट इज़ गॉड। उनका मानना है कि सभी जो थिंग्स है वो एक ही चीज़ से, एक ही सोर्स से ओरिजिनेट हुए हैं, किससे, गॉड से। यूनिटी ऑफ पर्पस, ठीक है, देयर इज़ अ कॉमन पर्पस इन ऑल थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड टू स्ट्राइव टूवर्ड्स परफेक्शन। यानी कि सबका एक ही कॉमन पर्पस होना चाहिए, वर्ल्ड में जितने भी थिंग्स हैं सभी का एक ही कॉमन पर्पस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, भगवान को प्राप्ति करना, टू स्ट्राइव टूवर्ड परफेक्शन, एग्जाम्पल गॉड। सेकेंड यहाँ पे देख सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। उनका क्या मानना था कि फ्रॉबेल बिलीव दैट इवेल्युएशन और डेवलपमेंट टेक्स प्लेस कंटिन्यूसली अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ इनर ग्रोथ एंड यूनिटी। यानी इनर ग्रोथ और जो यूनिटी है एक इंसान के अंदर, एक थिंग्स के अंदर क्या होना चाहिए, लगातार डेवलपमेंट होते रहनी चाहिए, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ एक्टिविटी, अकॉर्डिंग टू फ्रॉबेल रियल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इज पॉसिबल ओनली थ्रू सेल्फ एक्टिविटी। के सेल्फ एक्टिविटी के जरिए ही बच्चे के अंदर की जो डेवलपमेंट है उसको डेवलप किया जा सकता है, ठीक है। और सेल्फ एक्टिविटी मीन्स एक्टिविटी डिटरमाइंड बाय वन ओन्स मोटिव्स। यानी कि क्या सेल्फ एक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि जो इंडिविजुअल है उसके द्वारा किया गया खुद के मोटिव्स, खुद के प्रयास, ठीक है। आगे देख सकते हैं यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल थ्रू सोशल सेटिंग। तो सोसाइटी इज़ एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट, यानी कि जो सोसाइटी है वो बच्चे के पर्सनैलिटी के लिए, उसके पर्सनैलिटी को एनहेंस करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चाइल्ड को एक सोसाइटी में रहना होता है। अकॉर्डिंग टू फ्रॉबेल एवरी सोशल इंस्टीट्यूशन लाइक फैमिली, जितने भी सोशल इंस्टीट्यूशन है जैसे कि फैमिली है, चर्च है, स्कूल है, स्टेट है,
इज़ अ प्लेस फॉर एक्टिविटी ऑफ द इंडिविजुअल. तो ये क्या है, एक इंडिविजुअल के लिए एक प्लेस जैसा होना चाहिए. आगे है प्रिंसिपल ऑफ सिम्बोलिज्म. ठीक है, तो फ्रॉबल बिलीव्ड इन द यूज़ ऑफ साइंस एंड सिम्बॉल्स. तो जो फ्रॉबल थे वो साइंस और सिम्बॉल्स में बिलीव करते थे. दिस सिम्बॉल्स विल हेल्प चिल्ड्रन इन अंडरस्टैंडिंग द कनेक्शन बिटवीन माइंड एंड मैटर. और ये जो सिम्बॉल्स है वो बच्चे को जो है माइंड और मैटर के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है उसको जो कनेक्शन है उसको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करते हैं. ठीक है, आगे यहाँ पे आप एम ऑफ एजुकेशन देख सकते हैं. तो इनका एम ऑफ एजुकेशन था कि बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट होना चाहिए और स्पिरिचुअल यानी कि गॉड के साथ स्पिरिचुअल रूप से एकता. ठीक है, और एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करना चाहिए. ठीक है, आगे देख लेते हैं करिकुलम में. तो इन्होंने कौन कौन से सब्जेक्ट ऐड किए थे, रिलीजन, नेचुरल साइंस, मैथमेटिक्स, लैंग्वेज और मैनुअल वर्क और आर्ट्स इन्होंने ऐड किए थे. मेथड ऑफ टीचिंग देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल्फ एक्टिविटी, लर्निंग बाय प्लेइंग, फ्रीडम इन एजुकेशन, सोशल पार्टिसिपेशन, ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस. अच्छा, फ्रॉबल मानते थे कि जो टीचर है वो एक गार्डनर की तरह, एक माली की तरह है और उसका फंक्शन क्या है, बच्चे को ग्रो करने में हेल्प करना, उनके जितनी भी ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने में हेल्प करना. और टीचर क्या है, केवल एक फ्रेंड होना चाहिए, एक गाइड होना चाहिए और एक ब्रदर होना चाहिए फॉर अ चाइल्ड. आगे देख लेते हैं डिसिप्लिन. तो डिसिप्लिन में ये जो है रिप्रेशनिस्टिक जो है डिसिप्लिन उसके अगेंस्ट में थे. किसी भी प्रकार के जो है मतलब रिप्रेशनिस्टिक जो डिसिप्लिन है उसके अगेंस्ट में थे और किसी प्रकार का पनिशमेंट नहीं देना चाहिए बच्चे को. ये किनका मानना था, फ्रॉबल का मानना था. ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो. अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एंड टेक केयर.